तुमको भी अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। टेस्ट? कौन से टेस्ट? हानिया आमिर और अली रहमान की फिल्म परदे में रहने दो रिलीज हो गया। फिल्म की कहानी शादीशुदा जोड़े के हाँ बच्चों के पैदाइश न होने और उनके खानदान की जानिब से बच्चों की पैदाइश की शदीद ख्वाहिश के गिर्द घूमती है। फिल्म समाजी मसाइल पर बनी है जिसे मजाहिया अंदाज में पेश किया गया है। साथ ही फिल्म में जज्बात भी शामिल हैं। फिल्म परदे में रहने दो में हानिया आमिर लगभग 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। फिल्म में अली रहमान और हानिया आमिर मियां बीवी का किरदार अदा कर रहे हैं, जिनकी शादी चंद साल गुजरने के बावजूद उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश नहीं हुई। फिल्म में बीवी और शोहर को टेस्ट कराने का मशवरा देती है, इस पर शोहर रिवायती शोहरों की तरह नाराज हो जाता है। शादीशुदा जोड़े के हाँ बच्चों की पैदाइश न होने के मामले पर बनाई गई फिल्म में जावेद शेख, यासर हुसैन, हसन रजा, मुनज़ा आरिफ, सादिया फैसल, सैफी हसन और नूरुल हसन समेत दीगर अदाकारों ने काम किया। अली रहमान और हानिया आमिर इससे कबल 2016 में रिलीज होने वाले फिल्म जानान में एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी मोहसिन अली ने लिखी है, जबकि इसके हिदायतकार वजाहत रहूफ ने दी हैं और उन्होंने वजाहत के हमरा फिल्म को प्रोड्यूस किया। फिल्म में वजाहत रहूफ के जगह आखिर वजाहत को भी बतौर मौका शामिल किया गया है। Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.